नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। जंक्शन पर अवध असम एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक तेज धमाका होने से दहशत फैल गई। धमाके के बाद बोगी में अफरा तफरी मच गई। यात्री बोगी से बाहर निकलकर भागने लगे। हालात ये हो गए कि जल्दबाजी में यात्री ट्रेन की खिड़की तोड़कर कूदने लग गए थे। यात्रियों को लगा कि जैसे बोगी में बम फट गया है। बताया जा रहा है कि बोगी में एक बोरी रखी थी जिसमें धमाका हुआ। जांच करने पर पता चला है कि बोरी में पटाखे रखे हुए थे। दरअसल बरेली जंक्शन पर दिवाली के दूसरे दिन बड़ा हादसा होने से टल गया। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली 15910 अवध असम एक्सप्रेस सोमवार को जैसे ही जंक्शन पर रुकी, तभी कोच नंबर S2 में अचानक तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुन बोगी में भगदड़ मच गई। धुआं निकलता देख यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लग गए। मौके पर GRP और RPF पहुंच गए। ट्रेन में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। GRP ने बोगी के अंदर जाकर जांच की तो पता चला कि ट्रेन में अज्ञात युवक अवैध तरीके से बोरी में पटाखे लेकर जा रहा था। घटना होते ही युवक ट्रेन की आपातकालीन खिड़की से कूदकर भाग गया। GRP युवक की तलाश में जुटी हुई है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई है। कुछ यात्रियों ने बोरी को तुरंत ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं जल्दबाजी में खिड़की से कूदने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर गिरकर कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई है। घटना के बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर करीब 45 मिनट तक रोका गया। सभी कोचों में जांच करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।